आप सभी को जय हिंद। आज मैं बात करने वाला हूं कि निफ्ट में काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है, और मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि निफ्ट 2024 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आप शायद काउंसलिंग के कतार में खड़े हैं। मेरे पास पिछले कुछ दिनों से काफी सारी इंक्वायरी आ रही थी कि निफ्ट में काउंसलिंग क्या होती है या कैसे होती है या हमें कौन सा सेंटर चूज करना है। तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है और कौन कौन से कोर्सेस हैं और आपको किस कोर्स में या किस सेंटर में एडमिशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने फाइनल एग्जाम्स क्लियर कर लिए और आपको एक रैंकिंग मिल गई। निफ्ट भी दूसरे अकेडमिक इंस्टीट्यूशन की तरह ही एडमिशन के प्रोसेस को फॉलो करता है और यहाँ पे भी एग्जाम्स के रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पहला मेल मिल चुका होगा जिसमें कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। रिजल्ट्स आने के बाद जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है कि आप रजिस्ट्रेशन करो और अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखो काउंसलिंग के लिए। अगर मैं निफ्ट के कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ दो तरह के कोर्सेज ऑफर होते हैं। एक तो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो 12th के बाद आते हैं, जिसमें फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, एक्सेसरी डिजाइन, लेदर डिजाइन, फैशन कम्युनिकेशन और बैचलर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी को कोर्सेज हैं। ये सारे ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। उसके बाद आता है मास्टर्स कोर्सेज जो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, जिसमें है मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट, मास्टर्स ऑफ डिजाइन और तीसरा है मास्टर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो मास्टर्स के कोर्सेज में कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि आपने पर्टिकुलरली उसी के एग्जाम्स दिए हैं। कंफ्यूजन आता है बैचलर्स के कोर्सेज में जहाँ पे आपके डिजाइन के ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है और जब भी ऑप्शन की बात आती है तो वहां पे कंफ्यूजन जरूर ही क्रिएट होता है। तो निफ्ट की जो काउंसलिंग है वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर वन कि आपकी ओवरऑल रैंकिंग क्या है, नंबर टू आपका प्लेस ऑफ प्रेफरेंस क्या है यानी कि आप किस सेंटर पे स्टडी करना चाहते हो, और नंबर थ्री कि आपकी आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि आपसे पहले जो लोग हैं उनकी रैंकिंग क्या है या वो किस जगह से बिलोंग करते हैं या वो किस सेंटर में जाना चाहते हैं। तो नॉर्मली जो ट्रेंड है वो ये है कि जो भी टॉप रैंकर्स होते हैं यानी कि जिनका रैंक 1 से लेकर के इनिशियल 100 रैंक या 200 रैंक के जो लोग होते हैं उनका प्रेफरेंस जो है पुराने कैंपसेस या एस्टैब्लिश कैंपसेस की तरफ होता है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और गांधीनगर, क्योंकि ये सारे कैंपसेस निफ्ट के पुराने हैं और एस्टैब्लिश्ड हैं। और एस्टैब्लिश के कहने का मतलब है कि जो नए कैंपसेस है वो भी एस्टैब्लिश्ड हैं लेकिन ये सारे पुराने कैंपसेस पहले से चल रहे हैं। उसके बाद आती है हमारे पास कुछ ऐसे सेंटर्स जो पिछले 10-12 सालों में सेटअप हुआ है, जैसे पटना, सिलोंग, कांगड़ा, पंचकुला, दमन और कन्नूर, और उसके साथ रिसेंटली अभी ओपन हो रहा है वाराणसी। तो ये कुछ नए कैंपसेस हैं, नए हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पिछले 10-12 सालों में बने हैं। अब डिपेंड करता है कि जो टॉप रैंकर्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब उनकी होम सिटी क्या है या उनका प्रेफरेंस क्या है, अकॉर्डिंगली आपको काउंसलिंग में प्लेस मिलती है। तो सपोज करो कि रैंक 1 किसी चेन्नई के स्टूडेंट को आ गया है और अगर उसके प्रेफरेंस चेन्नई है तो वो फर्स्ट रैंक जो है वो चेन्नई ले लेगा। इसका मतलब है कि इस केस में जो है फर्स्ट रैंक दिल्ली या बॉम्बे को नहीं मिला बल्कि चेन्नई को मिला। तो डिपेंड करता है कि जो भी आपसे पहले वाले रैंक है वो कहाँ जाना चाह रहे हैं और अकॉर्डिंगली जो है सीट एलोकेट होता है। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट की डिजाइन कोर्सेस में एडमिशन ले रहे हैं तो जो भी प्रेफरेंस है आपका वो आप सिटीज देख लो, जो भी सिटीज आपको कन्वीनियंट लग रही है वहां पे आप सिटीज सेलेक्ट कर लो, कैंपस सेलेक्ट कर लो और साथ ही साथ अपने कोर्सेज के प्रेफरेंस डाल दो। यानी कि अगर आपका पहला प्रेफरेंस फैशन कम्युनिकेशन है, दूसरा प्रेफरेंस फैशन डिजाइन है, तीसरा प्रेफरेंस टेक्सटाइल डिजाइन है, या हो सकता है कि एक ही कोर्स जैसे फैशन डिजाइन पहला प्रेफरेंस दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई इस तरह से हो सकता है, दूसरा उसके बाद प्रेफरेंस टेक्सटाइल डिजाइन दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई हो सकता है, तो इस तरह से भी किया जा सकता है। तो ये काफी डिपेंड करता है कि जिस दिन काउंसलिंग हो रही है और आपसे ऊपर कितने लोग हैं रैंकिंग में और उनके प्रेफरेंस क्या है, अकॉर्डिंगली आपको सीट एलोकेट होती है। जहां तक कैंपसेस की बात है तो ये मेरा पर्सनल बिलीफ है और मैंने देखा भी है कि कैंपस से थोड़ा बहुत फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि एक्सपोजर में 19-20 होता है, बट जहां तक एकेडमिक डिलीवरेंस की बात है या जहां तक टीचर्स की क्वालिटी है या टीचिंग क्वालिटी है वो मोर और लेस सारे कैंपसेस में सिमिलर होता है। इसीलिए इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मुझे कोई स्पेसिफिक सेंटर मिलेगा तभी मैं सक्सेसफुल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई न्यू सेंटर भी या स्मॉल सेंटर भी मिल रहा है तो भी आप एडमिशन ले सकते हो और वहां पे भी आप अच्छा एक्सेल कर सकते हो। एट द सेम टाइम क्वेश्चन ये है कि काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगी। तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि काउंसलिंग
जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगी और एंड ऑफ जून तक ये खत्म हो जाएगी और आपकी जो भी सीट है वो एलोकेट हो जाएगी एज पर द रैंक। ये पूरी काउंसलिंग प्रोसेस ऑनलाइन है और आप अपने चॉइस ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से अपने सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो। बिफोर एक्सेप्टेंस आपको फी पे करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि काउंसलिंग के कितने राउंड होते हैं। तो नॉर्मली जो पिछले कुछ सालों का ट्रेंड दिखा है कि लगभग 3 से 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है और जो भी सीट्स अवेलेबल होती है वो आपको एलोकेट किया जाता है और लास्ट में अगर कुछ सीटें बच भी जाती है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अगर हमारे पास कम है या किसी ने विड्रॉ किया है तो वहां पे उस केस में स्पॉट एडमिशन भी होता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपके आपको कोई स्पेसिफिक इंक्वायरी चाहिए या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो में नहीं है तो प्लीज आप कॉमेंट करो, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा। So that is it and all the best to all of you. Thank you. Jai Hind.